कस्बा के संझेली गांव में एक पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में पुनः मारपीट हो गया। यह मामला तब हुआ जब पुराने मामले की जांच कर पुलिस निरीक्षक वापस आ रहे थे। इसी क्रम में एक पक्ष पुलिसकर्मी को अपनी विशेष बातें सुनाने लग गए, तभी दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया और तू तू मैं करते करते मामला मारपीट तक पहुंच गया। मौजूद पुलिसकर्मी ने समझाने की भरपूर कोशिश की, किंतु दोनों पक्ष समझने को तैयार नहीं थे। यह मामला संजेली के उप मुखिया मोहम्मद शाहबाज आलम एवं पैक्स अध्यक्ष महबूब आलम के बीच का है। बताया गया कि पंचायत चुनाव नजदीक आने के कारण दोनों पक्ष राजनीतिक लाभ लेने के लिए और ज्यादा खुलकर आमने सामने हो गए हैं और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हो रही है। इस मारपीट में उप मुखिया शाहबाज आलम की आंख में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस मामले में कोई सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है, जिसके कारण दोनों पक्षों का मनोबल बढ़ा हुआ है और दोनों पक्ष आपस में कभी भी भिड़ जाते हैं। सही से बोलिए, आपको कौन सी बात है? वो खुद बोल रहा है, वो ऑडियो मेरे पास में है। वो अरमान को रोक करके पैसा दिया। ये अरमान को रोक के पैसा दिया? आपको लग रहा था भाई वो न बताएगा। आप हमसे नहीं पूछेंगे कि तुमको कितना पैसा दिया? हमसे आप कुछ पूछ रहे हैं? आपका लोकेशन देख रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब गए थे वहाँ, कोई पीओ नोट कर ले। अच्छा, वही करी हो। अच्छा, ये जो घटना घटी, क्या पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में ये घटना घटी है? हाँ, पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में ये घटना घटी है। कौन थाना का पुलिस था? कस्बा थाना का पुलिस। इनके सामने मुझे मारा गया है, बहुत बेरहमी से मारा गया है। तो कस्बा थाना के जो अधिकारी हैं रणविजय सिंह, वो उस समय मौजूद थी, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया वहाँ पे? वो भी बीच बचाव किए, इसमें कहीं सत्यता का कमी नहीं, बीच बचाव किए बहुत, लेकिन वो झुंड जो है पूरा उनको भी धक्का मुक्की दिया और बहुत अन्याय के साथ, बेरहमी के साथ मेरा जान मार रहा था। ऊपर वाले का कृपा है, मदद है कि हम अभी जीवित हैं। और मेरा बाइक वाइक सब छीन लिया चुनाव के रंजिश के कारण। गाड़ी पकड़। आप आवेदन दिए हैं थाना में? जी। तो पुलिस अब तक क्या एक्शन में आई है? पुलिस FIR की है और हमको परेशान किया जा रहा है। यहाँ से हॉस्पिटल तक इलाज सही ढंग से नहीं किया जा रहा है और धमकी दे रहा है, दिलवा रहा दूसरे से कि जहाँ होगा हम मर्डर करके ही छोड़ेंगे। हम लोग परेशान है, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हैं कि आप अगर हम दोषी हैं तो हमको जेल भेज दीजिए, हम सेफ रहेंगे। यदि वो दोषी है तो उसको जेल कीजिए, नहीं तो कुछ भी अप्रिय घटना। क्या लग रहा है कि आपको आगे और भी जान का खतरा है? जी, मेरे साथ जान का खतरा 100% हमको लग रहा है, जान का खतरा है। सिर्फ आप पर है कि आपका बीवी बाल बच्चा सब पर है? पूरे परिवार पे हमारा जो है। हॉस्पिटल में भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, वहाँ भी 10-12 गुंडा लेके जो है हमारा पहरा पे पहरा किया है। रात में जो है पूरा रात जग जग के रहे हैं बीमार आदमी। कौन सा गांव की घटना है, कब की घटना? ये संझली पंचायत गांव का घटना है। ले लिया जो है मोटरसाइकिल हमारा, प्रशासन के सामने छीन के ले लिया। पैसा था पॉकेट में, मोबाइल निकला, सर्वर नहीं, कासिम मुखिया निकाला था पैसा अपने से। अब आवेदन दिए हैं थाना में? जी। पुलिस गई थी? जी। कितने लोगों को नामजद बनाया है? 9 लोगों को। 9 लोग जो जनमिन था और जो भी पब्लिक जाता था छुराने, सबको काशी मुखिया उसका बेटा भगाता था फटा लेके, नहीं आज इसको जान से मार देंगे। पहले भी क्या केस हुआ था आपके ऊपर, क्या कहता है, गुमटी उल्टा देने का क्या मामला है? हाँ, उसी का जो है साला का बेटा था, वो हम पे आरोप लगाया था, केस किया था काशी मुखिया का। साला का बेटा आरोप, झूठा आरोप लगाया था, उसमें कहीं कोई ये नहीं था, कुछ भी नहीं सत्य था। ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के बोलते हैं, कुछ भी। पुलिस जब जांच कर रही थी, इस बीच फिर कैसे मारपीट हो गया दोबारा? पुलिस जांच कर रही थी, वो लोग सोचा अब इसमें पार नहीं पाएंगे, चलो इसका मर्डर कर दो। कुछ लोग रखा था कि इसको मारिए देना है। जांच में कौन गया था, कौन अधिकारी पहुंचे थे जांच में? इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब पहुंचे थे? ये घटना उसके सामने हुई क्या? इंस्पेक्टर साहब 1 सेकंड पहले निकले, वहाँ रन कुमार बाबू थे
नया दरोगा और अरमान जी के